घरेलू गैस टंकियों की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही और ऐसा ही मामला बाड़मेर में देखने को मिला है। बाड़मेर की एक निजी गैस एजेंसी के कार्मिक जो है वो लगातार गैस की टंकियों की कालाबाजारी कर रहे हैं। लोगों के घर तक जो गैस सिलेंडर पहुंचना चाहिए वो लोगों के घर तक नहीं पहुंचकर गैस रिफिलिंग वाली दुकानों पर पहुंच रहे हैं और गैस रिफिलिंग वाली दुकानें ऐसी जो अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम करती है। और ऐसे हादसे कई हमने देखे हैं, पहले जोधपुर में देखे फिर बाड़मेर में भी देखे हैं, जहां पर गैस रिफिलिंग करते हुए कई लोगों की जान चली गई है। लेकिन गैस रिफिलिंग वाले जो है वो अवैध काम करने से नहीं रुक रहे और इनका साथ कोई दे रहा है तो बाड़मेर की जो गैस एजेंसियां हैं वो दे रही है। बताया जा रहा है कि बाड़मेर की एक निजी गैस एजेंसी का टेम्पो जो है वो बाड़मेर SDM की गाड़ी के आगे आगे चल रहा था और पीछे SDM साहब की गाड़ी आ रही थी और उसने बीचों बीच टेम्पो खड़ा कर दिया और हॉर्न बजाने पर भी टेम्पो नहीं हटाया और SDM साहब ने जब उतर कर देखा तो उसमें भरे हुए गैस सिलेंडर जो है वो उस टेम्पो में थे, क्योंकि वो एक गैस एजेंसी का था। लेकिन वो गैस एजेंसी का जो कार्मिक था वो गैस रिफिलिंग वाले से कुछ बात कर रहा था और SDM साहब ने जब उसे पूछा तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और उसके बाद SDM साहब ने कोतवाली थाने फोन किया, कोतवाली का जाप्ता बुलाया, वही रसद विभाग को इस बात की सूचना दी और रसद विभाग की टीम और कोतवाली की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और जब उससे पूछताछ की तो वो अपने पास संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और उसके बाद जब दुकान के अंदर पीछे कमरे में जाकर देखा तो इनकी सारी पोल खुल गई, क्योंकि वहां पर 20 से 25 जो है गैस के सिलेंडर रखे हुए थे। वो ये गैस एजेंसी वाले जो है ये रिफिलिंग वाली दुकान तक पहुंचाते हैं और ये लोग जो है बड़ी और छोटी टंकियों में भर कर लोगों को बेचते हैं। ऐसा काम बाड़मेर में पिछले काफी लंबे समय से चल रहा है, लगातार रसद विभाग और कार्रवाई करती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस प्रकार से एक निजी एजेंसी वाले जो गैस एजेंसियां जो है वो लगातार जो है निजी दुकान वालों को जो है गैस सिलेंडर बेचती है, जो लोगों के घर तक पहुंचना चाहिए वो लोगों के घर तक नहीं पहुंचकर दुकान तक पहुंचता है और दुकान वाले जो है उसे अवैध तरीके से उसे अलग अलग टंकियों में भर कर बेचते हैं। और ऐसा ही मामला बाड़मेर के गांधी चौक में सामने आया जब बाड़मेर SDM की गाड़ी वहां से निकल रही थी और उसी दरमियान टेम्पो में भरे हुए गैस सिलेंडर देखे और टेम्पो चालक से पूछा, दुकानदार से पूछा कि तेरे पास कोई डायरी है, तू इतने सारे सिलेंडर कैसे लेकर बैठा है, तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। और जब वो जवाब नहीं दे पाए तो तुरंत ही SDM साहब ने कोतवाली थाने फोन किया तो कोतवाली थाना अधिकारी गंगाराम खावा और उसके बाद रसद विभाग को कॉल किया तो रसद विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंची, वहीं टेम्पो जब्त किया गया, टेम्पो को कोतवाली थाने में खड़ा करवाया गया है और अब नियमानुसार कार्रवाई करने के जो निर्देश दिए गए हैं अब रसद विभाग जो है वो एजेंसी और कार्मिक और उस दुकानदार के खिलाफ नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो करेगी। अब जब्ती बना रहे रसद विभाग को बुलाया है, यहाँ से मैं नॉर्मली गश्त के दौरान निकला था सिटी में भ्रमण में बारिश के बाद में, तो यहाँ ये एक एजेंसी की गाड़ी आई ना, एजेंसी की खड़ी थी और इस मकान में से सिलेंडर चढ़े उतर जा रहे थे, सस्पेक्ट होने पर हमने इसको रोका है, पुलिस को बुलाया है और रसद विभाग को बुलाया है। जो भी घटना है बार बार हो रही है जो भी होगा सख्त कार्रवाई करेंगे नियम अनुसार। वो अभी रसद विभाग को बुलाया है, रसद विभाग चेक करके बताएंगे कि बुकिंग है या ब्लैक में। वो इस तरह की कार्रवाई यहाँ पे पहले भी हो चुकी है, उसके बाद भी अगर ये कर रहा है तो क्या है, उसको करेंगे सख्त कार्रवाई करेंगे।